सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आईटीआई के कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो आईटीआई का कोर्स है मशीनिस्ट का कोर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ मशीनिस्ट कोर्स के बारे में, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मशीनिस्ट का जो कोर्स है कितने साल का होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, आपको एससीवीटी से एडमिशन लेना चाहिए या एनसीवीटी से एडमिशन लेना चाहिए, फ्यूचर में मशीनिस्ट कोर्स करने के बाद आप क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, चाहे जॉब के फील्ड में हो, चाहे आगे पढ़ाई करने के क्षेत्र में हो, या एनी मोर, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटी है, सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मशीनिस्ट कोर्स का जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस है एनएसक्यूएफ के तहत, तो उस सिलेबस को भी मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये मशीनिस्ट का कोर्स है कितने सालों का होता है। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारे वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको आईटीआई से रिलेटेड, अप्रेंटिस से रिलेटेड, सीटीआई कोर्सेज से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी सारी जानकारी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको पूरे कैटेगरी वाइज जो जो डिटेल्स हम बताते हैं आपको, न्यूज एंड अपडेट्स, चाहे कोर्सेज के बारे में, पूरा कैटेगरी वाइज आपको दिखाया, उसमें रखा गया है। तो जिस भी कैटेगरी से आपको जरूरत है, तो उस कैटेगरी से आप अपने कंफ्यूजन या डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आईटीआई के जिस कोर्स के बारे में बताने वाले हैं वो है मशीनिस्ट का कोर्स। और ये आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है, और ये जिस सेक्टर में आता है वो है कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये मशीनिस्ट का कोर्स आता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज मशीनिस्ट, मशीनिस्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी में जान लेते हैं, उसके बाद हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। तो ए मशीनिस्ट इज अ पर्सन हु मशीन्स यूजिंग हैंड टूल्स एंड मशीन टूल्स टू क्रिएट आर मॉडिफाई ए पार्ट दैट इज मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक अथवा आर वुड। ठीक है दोस्तों, तो अब हिंदी में जो इसका मतलब निकलता है सिंपल शब्दों में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि विभिन्न प्रकार की मशीनों पर कार्य करके विभिन्न प्रकार के गियर, फिटिंग, चाबी तथा घाट काटने संबंधी जो वर्क होता है वो मशीनिस्ट के अंतर्गत आता है। और उनसे जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो मशीनिस्ट के कोर्स में पढ़ाया जाता है, चाहे वो मेटल का घाट काटना हो, गियर करना हो, फिटिंग हो, चाहे प्लास्टिक के पार्ट्स का हो, चाहे लकड़ी के पार्ट्स का हो। तो ये था मशीनिस्ट का मतलब। अब आगे चलते हैं कि ये जो मशीनिस्ट का कोर्स है कितने सालों का होता है। तो ये मशीनिस्ट का जो कोर्स है आपका 2 सालों का होता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्वालिफिकेशन, मतलब एडमिशन के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास कक्षा 10 पास होना चाहिए अंडर 1+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि 10वीं उसी सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, कि अगर आप 10+2 में एडमिशन लेना चाहें तो आप गणित और विज्ञान विषयों के साथ एडमिशन ले पाएँ 10+2 में। तो इसका मतलब यह है कि आपका हाई स्कूल साइंस साइड से होना चाहिए, जिसमें आपका गणित और विज्ञान विषय होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि बोर्ड कौन सा बेटर है आपका, एनसीवीटी या एससीवीटी। तो आप लोग जानते हैं, इसमें मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट बोर्ड यही है एनसीवीटी, क्योंकि नेशनल बोर्ड है, और एससीवीटी जो है स्टेट बोर्ड है। अब बात करते हैं कॉलेज की, कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या अच्छा होता है। तो सबसे पहले आता है गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई। यहाँ पे 2 आईटीआई, 2 तरह के कॉलेज हैं। तो गवर्नमेंट आईटीआई में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है नाम मात्र की लगनी है, बहुत ज़्यादा फीस आपको पे नहीं करनी होती है। लेकिन वहीं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट आईटीआई में इंजीनियरिंग ट्रेड की जो फीस है, किसी भी आईटीआई के कोर्स में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और लेकिन वो इंजीनियरिंग ट्रेड से, तो आपको 18,000 रुपये पर ईयर की फ़ीस पे करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि जो आपका सिलेबस है
कोर्स है उसको वीकली कितने घंटों में बांटा गया है और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको उसमें पढ़ाए जाने हैं। तो वीकली का जो आपका सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट्स हैं उसको बांटा गया है 40 घंटों में। तो यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है वो आपके हफ्ते में 25 घंटे आपको पढ़ाए जाने चाहिए। ट्रेड थियरी का 6 घंटे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 2 घंटे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 3 घंटे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2 घंटे और एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ 2 घंटे। क्योंकि दोस्तों ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका खाली फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको और भी जो सब्जेक्ट हैं उनको मैनेज करने के लिए ये समय आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टीचर जो मशीनिस्ट कोर्स में आईटीआई में टीचर पढ़ाने के लिए रखे होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है या होनी चाहिए। तो डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो मतलब पॉलिटेक्निक किया हो या बीटेक किया हो। अगर बीटेक किया है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, चाहे टीचिंग में हो चाहे इंडस्ट्री में हो। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेड थियरी के लिए। अब बात करते हैं कि ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए जो टीचर्स रखे जाते हैं उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी जिसे बोलते हैं, या फिर एनएसी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से, और साथ ही साथ उनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इस ट्रेड के लिए पढ़ाई टीचर बन सकते हैं। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसीलिए डाला गया है कि अगर आपने सीआईटीएस का कोर्स किया है, मतलब जिसे आप आसान शब्दों में सीटीआई बोलते हैं, तो उनको भी एज ए ट्रेड प्रैक्टिकल के अध्यापक रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रपोज्ड ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है कि आपको कौन कौन से जॉब ऑफर मिल सकती है, आप इस कोर्स को करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अनसक्सेसफुल कंप्लीशन दिस कोर्स द कैंडिडेट शैल बी गेनफुल एम्प्लॉयड एज। तो यहाँ पे देख लीजिए, एज ए मशीनिस्ट रखा जा सकता है, ग्राइंडर रखा जाता है जा सकता है, ऑपरेटर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पावर ड्रिवन मेटल कटिंग अथवा ग्राइंडिंग मशीन पे रखा जा सकता है। और किन किन सेक्टर्स में ये रखे जा सकते हैं, एज ए प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रखे जा सकते हैं, उन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी पार्ट्स का, तो उन इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज में रखे जा सकते हैं, या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन लोगों की डिमांड ज़्यादा है। उसके बाद है, मशीनिस्ट हैव ए वाइड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी रेंगिंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयड टू इंडस्ट्रियल जॉब। इसका मतलब है कि मशीनिस्ट का कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कहीं कहीं पे जो जैसे टेंडर वगैरह निकलता है उसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल आप जॉब ले सकते हैं, वहाँ से हायर कर सकते हैं। किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में अगर आपके लायक वर्क है तो ज़रूर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैरियर प्रोग्रेशन पाथवे। इसका मतलब है कि अगर आप मशीनिस्ट का कोर्स कर लेते हैं तो आगे आपके हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। तो आप अगर 10+2 एग्जामिनेशन थ्रू नेशनल ओपन एनआईओएस के थ्रू अगर कर लेते हैं तो आपको हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब बात करते हैं, कैन टेक एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स इन नोटिफाई ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग बाय लेटरल एंट्री। इसका मतलब है कि अगर आप रिलेटेड ट्रेड से, अपने मशीनिस्ट के रिलेटेड ट्रेड से किसी भी डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली लेटरल एंट्री के तहत सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आप बन सकते हैं सुपरवाइजर आफ्टर पार्ट टाइम डिप्लोमा इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप किसी भी जगह से पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी में एज ए सुपरवाइजर के पद पे वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी भी टाइप की इंडस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में एज ए स्किल वर्कर वर्क कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है फाइनली कि आप सीआईटीएस का कोर्स, मतलब सीटीआई के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं आईटीआई ये कंप्लीट होने के बाद,
और किसी भी आईटीआई में एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इंटरनेशनल कंपेरिबिलिटी क्या है, कि यहाँ के जो सिलेबस हैं वो इंटरनेशनली जहाँ पे भी वर्क होते हैं अदर गल्फ कंट्रीज में वो वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो भी देख लेते तो हैं। यहाँ पे तो हम बात करते हैं कि कंपैरिजन मेड विथ जर्मन सिलेबस एंड प्रपोज सिलेबस इज इन लाइन विथ एग्जिस्टिंग जर्मन सिलेबस, अराउंड 95% कंटेंट आर मैचिंग। इसका मतलब है कि जर्मन सिलेबस से जो यहाँ के आईटीआई का सिलेबस है, डीजीटी के आईटीआई का सिलेबस है, वो लगभग 95% उसके कंटेंट मैच करते हैं, तो जिससे कि आईटीआई पास हुए बच्चे अगर गल्फ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में या न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ईटीसी में जाके वर्क कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, प्लांट अरेंजमेंट फॉर आरपीएल। इसमें मैं आपको बता दूं, एट ए प्रेजेंट द स्टूडेंट हु हैव पास 10th क्लास विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट कैन अपियर एन सी वी टी थियरी एंड प्रैक्टिकल सेमेस्टर एग्जामिनेशन डायरेक्टली। इसका मतलब है कि अगर आपने कक्षा 10 पास की हुई है और मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है लगभग 3 साल का, तो आपको आईटीआई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एनसीबीटी से ट्रेड थियरी और ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हैं और आपको सीधे आईटीआई की डिग्री दे दी जाएगी। और उसके बाद बात करते हैं, द स्टूडेंट हु हैव पास एससीवीटी एग्जामिनेशन इन मशीनिस्ट ट्रेड कैन आल्सो अपियर एनसीवीटी एग्जामिनेशन इन रेलिवेंट सेमेस्टर एंड ट्रेड डायरेक्टली। तो इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों ने एससीवीटी से मशीनिस्ट ट्रेड का कोर्स किया है वो सीधे सीधे एनसीवीटी एग्जामिनेशन के लिए ट्रेड थियरी ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास होने के बाद उनका जो एससीवीटी का सर्टिफिकेट है वो एनसीवीटी से जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा वो उनका वैलिड हो जाएगा। तो हम आ गए हैं मशीनिस्ट ट्रेड के सिलेबस पे। तो मेरे पास जो NSQF के तहत सिलेबस है ये सेमेस्टर सिस्टम में है, लेकिन आप लोग को पता है कि अगस्त 2018 से सेमेस्टर सिस्टम कन्वर्ट हो गया एनुअल सिस्टम में, तो यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा एक साथ होगा, तो मतलब ये 1 ईयर हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर काउंट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सेमेस्टर वन में क्या क्या चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और जो ये सिलेबस है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपना पूरा सिलेबस देख पाएंगे। तो ये देख लीजिए सेकेंड सेमेस्टर हो गया, ये थर्ड सेमेस्टर का, और ये देख लीजिए यहाँ फोर्थ सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर के यहाँ पे सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा पूरी डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और